नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य ईएफएम। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र ईएफएम पेपर प्रथम बुक ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के यूनिट संख्या फोर्थ में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम भारत में बाल विकास संबंधी कार्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने प्रकृति या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में, विभिन्न कानूनों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज इसी क्रम में हम भारत में बाल विकास संबंधी या महिला बाल विकास संबंधी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार महिला विकास संबंधी कार्यक्रम पूछ लेते हैं, कई बार बाल विकास संबंधी कार्यक्रम के बारे में पूछते हैं। तो एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में इससे इस चैप्टर में आता जाता है, या तो भारत में बाल विकास संबंधी कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए, या महिला विकास कार्यक्रम के बारे में सविस्तार व्याख्या कीजिए। अब हम चर्चा करें कि भारत में महिला व बाल विकास कार्यक्रम या महिला बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 के अंतर्गत की गई। महिला एवं बाल विकास की स्थापना कब की गई? 1985 के अंतर्गत की गई, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं बालकों के संपूर्ण विकास के लिए योजना बनाना, नीतियां निर्धारित करना, महिलाओं एवं बालिकाओं के संबंधी कानून बनाना और उसमें सुधार करना। उसके बाद में तीन स्वायत्त संगठन कार्य कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय जनभागिता एवं बाल विकास संस्थान और केंद्रीय समाज कल्याण मंडल और राष्ट्रीय महिला कोष इसमें सम्मिलित हैं, जो 1 अप्रैल 1993 से खाद्य एवं पोषण मंडल के द्वारा भी राष्ट्रीय पोषण नीति के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग को स्थानांतरण की गई। अब बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में अंतर्गत महिलाओं की संख्या 58.64 करोड़ है। कितनी है? 58.64 करोड़ है, जो कि देश का कुल जनसंख्या का 48.46% माना जाता है। तो इस प्रकार 35 करोड़ बच्चे हैं, 35 करोड़ भारत के अंदर बच्चे हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 30% चाइल्ड हैं, 30% बच्चे हैं। तो इस प्रकार महिला बाल विकास संस्थान की स्थापना 1985 के अंतर्गत की गई, जो 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या 58.64 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 48.46% है, जिसमें 85 करोड़ बच्चे हैं, जो कुल 30% भाग बच्चों का है। इस प्रकार से 72% से अधिक कुल जनसंख्या बच्चों का माना गया है। इसमें महिला बाल विकास संबंधी नीति निर्धारण करना और उसमें कानून महत्व सुधार करना, समग्र विकास के लिए 1985 के अंदर महिला और बाल विकास विभाग कार्य कर रहा है, जो वर्ष 2006 से पृथक महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा बना दिया गया। इसका महिला व बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से गठन किया गया। तो महिला और बाल विकास के द्वारा इनका गठन भी किया गया। अब हम बात करें महिला विकास से संबंधित, से पहले हम चर्चा करेंगे बाल विकास संबंधी कार्यक्रम। बाल विकास के अंतर्गत हम चर्चा करें, भारत में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की लगभग संख्या है 16 करोड़। 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या है 16
16 करोड़ बच्चे हैं जिसके विकास के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के आयाम, जो कुल जनसंख्या का 13.1% माना गया है, कुल जनसंख्या का कितना माना गया है 13.1%, कुल जनसंख्या का 13.1% भाग माना गया है। तो बच्चों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय आयोग 5 मार्च 2007 को बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार इसके प्रमुख कार्यों की हम चर्चा करें कि बच्चों के कल्याण के लिए कौन कौन से ऐसे सरकार के द्वारा कार्यक्रम बनाए गए, जिसमें पहला है समन्वित बाल विकास सेवा। समन्वित बाल विकास सेवा 1974 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। इसके अंतर्गत बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय बाल नीति स्वीकार करने के बाद 1975-76 में 33 समन्वित बाल विकास सेवा ब्लॉकों में इनकी परियोजनाओं, जिसमें 6 मूलभूत सुविधाएं सेवाएं दी गई, जिसमें पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य परामर्श, स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा को इसमें प्राथमिकता दी गई, जिसमें 30 सितंबर 2016 तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 7073 हो गई। तो इस प्रकार 30 सितंबर 2016 को देश में 7073 समन्वित बाल विकास परियोजनाएं लागू की, जिसका 6 लाख विद्यार्थी इसमें लाभान्वित हुए। तो इस प्रकार से 2016-17 में 140 करोड़ बजट आवंटन किया, जिसमें 31 दिसंबर 2016 तक 122.2 करोड़ रुपए व्यय भी किए जा चुके हैं इसमें। तो इस प्रकार से समन्वित बाल सेवा संस्थान के माध्यम से भी सरकार विभिन्न प्रयास कर रही हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य, टीकाकरण, एजुकेशन पे विशेष ध्यान दे रही हैं। दूसरी हम चर्चा करें उदिशा कार्यक्रम के अंदर विश्व बैंक के सहयोग से चलाए गए देश के अंतर्गत देशव्यापी कार्यक्रम, इसमें विश्व बैंक सहायतार्थ के रूप में बहुत सहायता दे रही है, जो बच्चों के विकास के लिए प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है, जिसके अंतर्गत समन्वित बाल विकास सेवा के अंतर्गत कार्यरत एजेंसियों के प्रशिक्षण दिया जाए। इसमें 3 प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहला है नियमित प्रशिक्षण नवाचार इनोवेशन विशिष्ट क्षेत्रों के अंतर्गत दिया जाए, जिसमें सूचना शिक्षा संप्रेक्षण से संबंधित ये दिया जा रहा है, जो 3 लाख से अधिक ICDS संस्थाओं के द्वारा संबंधित प्रशिक्षण 1.5 लाख संस्थाओं को पुनर्व्यास या प्रशिक्षण के रूप में भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरा किशोरी शक्ति योजना किशोरी शक्ति योजना भी एक महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम समन्वित बाल विकास सेवा संस्थान के अंतर्गत लागू किया गया 2001 में। किशोरी शक्ति योजना महत्वपूर्ण रूप से लागू की गई बालिकाओं के लिए, जिसमें 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को इसमें शामिल किया गया। किशोरी शक्ति योजना, इसमें भी भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्देश्य इसमें रखे गए, जिसमें स्वास्थ्य पोषण सुविधा में सुधार करना, युवतियों को व्यवसाय के और गृह संबंधी कार्य में ज्ञान में सुधार करना, और भी विभिन्न प्रकार के युवतियों के स्वास्थ्य, पोषाहार, परिवार कल्याण कार्यक्रम के संबंधित 51 जिलों में प्रयोग में लाया गया, जो कि पर्यावरण संबंधी सामाजिक पहलुओं के प्रति अच्छी समझ पैदा करना, युवतियों को ऐसी गतिविधियाएं प्रति चेतना जागृत करना जो समाज में उत्पादन गतिविधियों के सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रही है। इस प्रकार विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी शहरों में और गांवों में चलाई जा रही हैं, जिसमें 2013-14 में किशोरी शक्ति योजना में 7073
ICDS परियोजनाओं को शामिल करने का क्रियान्वयन किया गया, जिसमें सभी योजना चालू हैं जो 2016-17 में देश के 105 जिलों में लगभग 2400 परियोजनाएं चल रही हैं। अगली है बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों में शिशु सदन। शिशु सदन भी एक अहम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। शिशु सदन राष्ट्रीय बाल नीति में उसको शिशु सदन 1975 में इनका गठन किया गया, जिसमें शिशु के विकास के लिए राष्ट्रीय बाल नीति 94 के उद्देश्यों, गरीब कामकाजी बीमार महिलाओं के बच्चों की देखभाल करना इसका उद्देश्य माना गया। ये योजना उन गरीब महिलाओं के 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए शुरू की गई जिसकी मासिक आय 1800 रुपये से अधिक नहीं है। ये लाभ उन पर दिन दहाड़ी बाहर से आई हुई कृषि एवं निर्माण कार्य में गरीब महिलाओं को मिलता है, जो बीमार हैं, जो छूत की बीमारी से ग्रसित हैं, उनको बच्चों के लिए पोषक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल के लिए किया गया, जिसमें 2 स्वयंसेवी बोर्ड के द्वारा भी इनका क्रियान्वित किया गया, जिसमें 14,965 शिशुओं के लिए 3.11 लाख बच्चों की देखभाल के कार्य सौंपा गया, जिसमें राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु धन योजना के अंतर्गत भी लगभग 28,000 क्रेंचों में 7 लाख शिशु लाभान्वित हुए। अगला है राष्ट्रीय शिशु सदन कोष। राष्ट्रीय शिशु सदन कोष के अंतर्गत लगभग मार्च 1994 में इसकी स्थापना की गई। इसके अंतर्गत लगभग 19.90 करोड़ रुपए व्यय किए गए। इसमें मुख्यतः आंगनवाड़ी और शिशु सदनों के परिवर्तन सा है। इस कोष में 4,286 सामान्य शिशु सदन और 599 शिशु सदन आंगनवाड़ी के अंदर में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। अगला हम बात करें पुरस्कार की। पुरस्कार जो इन संस्थाओं को चला रहा है, जो बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की, इसमें 1979 में अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान की गई। इसका उद्देश्य बाल कल्याण के लिए स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने वाले सरकार की ओर से मान्यता प्रदान की जा रही है। तो इस प्रकार से वीरता पुरस्कार 1957 में पूर्ण रूप से बच्चों की लिखाई पढ़ाई आदि के लिए जो भी एजेंसीज कार्य कर रही हैं उनको पुरस्कृत किया गया। एक बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, एक बच्चों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना भी सरकार के द्वारा गठित की जा रही है, जिसमें बच्चों के जीवन संरक्षण विकास के बारे में विश्व घोषणा पर हस्ताक्षर करने वालों, भारत भी इसमें सम्मिलित है, जो सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने महिला बाल विकास विभाग, मंत्रालय, राज्य सरकार, स्वयं सेवी संगठनों के विचार विमर्श पर इस योजनाओं की तैयारी की गई। नौ आठवां पॉइंट है हम चर्चा करें सार्क बालिका दशक। सार्क बालिका दशक भी बाल विकास संबंधित महत्वपूर्ण है। सार्क बालिका दशक की शुरुआत 1991-2000 में की गई, जो कि राष्ट्रीय कार्य योजना के निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही है, जो बालिकाओं के विकास में पूरे देशों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगला बच्चों के अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। बच्चों के अधिकार व सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के माध्यम से 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बच्चों के अधिकार के बारे में ये दी गई, जो भी उत्पीड़न है उनके खिलाफ जो भी प्रताड़ना से बचने के लिए बात कही, जिसमें सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारों को आकृष्ट इसमें किया गया, जो भारत सरकार ने 2 दिसंबर 1992 में इस घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए गए, जो 18 मार्च 1993 में प्रस्तुत किया जा चुका। तो इस प्रकार महिला बाल विकास संस्थाओं देश के बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण गठन का क्रियान्वयन किया गया, जिसमें 5 मार्च 2007 को बालक अधिकार
संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का भी गठन किया गया। अंतिम है धनलक्ष्मी योजना। धनलक्ष्मी योजना बाल विकास कार्यक्रम में एक अहम भूमिका रही है, जो कि इस योजना का प्रारंभ मार्च 2008 में किया गया। मार्च 2008 में जनधन, इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की। जिस परिवार में एक बालिका शिशु सदन होने पर उसका नाम होने पर उसके नाम नकद राशि की स्थानांतरण की सुविधा दी गई। यह योजना 7 राज्य और 11 खंडों में लागू की गई, जो कि 2008-09 में इसके लिए 5.95 करोड़ रुपये का भी प्रावधान रखा गया। इसके अंतर्गत 79,555 बालिकाएँ 79,555 बालिकाएं इसमें शिशुओं में लाभ प्राप्त हुआ, जो 2010 और 2011 में 10 करोड़ रुपए का भी इसमें प्रावधान रखा गया। 10 करोड़ रुपए देने का इसमें प्रावधान रखा गया। इस प्रकार हमने आज भारत में बाल विकास संबंधी कार्यक्रम के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे महिला विकास संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम हैं, महिला विकास या महिलाओं के उत्थान के लिए कौन कौन से सरकार ने कार्यक्रम चलाए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही, बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।